किसी ने लाइन में लग गवा दी जान, किसी की नोट ना चलने से गई जान, नोटबंदी ने बंद कर दी दो लोगों की सांसें, जानलेवा नोटबंदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज बात उस नोटबंदी की जिसके समर्थन में जनता भी है, विपक्ष भी है और खुद बीजेपी सरकार तो है ही, लेकिन जो अव्यवस्थाएं पूरे प्रदेश और देश में बनी हैं, जो लंबी लंबी लाइनें बैंक और एटीएम के बाहर लगी हैं, घंटों के इंतजार के बाद भी पैसे मिल नहीं पा रहे, शादी के लिए पैसे नहीं है, दाह संस्कार तक के लिए पैसे नहीं है, किसानों के पास खाद बीज का पैसा नहीं है, यानी समस्याएं बहुत हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उन्हें 50 दिन चाहिए, जनता भी कहती है कि 50 दिन वो मोदी सरकार के साथ है। लेकिन बिग बुलेटिन में आज बात बुहाना के कपिल मेघवाल की, साथ ही धौलपुर के सुरेंद्र सिंह की। कपिल मेघवाल के मौत बैंक में लगी लाइन में घंटों इंतजार करने के बाद हो गई, वहीं सुरेंद्र की मौत दवा के अभाव में हो गई, क्योंकि पुराने नोटों को लेने से मेडिकल स्टोर्स ने मना कर दिया और SMS अस्पताल के अंदर मिलने वाली दवाओं को डॉक्टर्स ने लिखा नहीं। बिग बुलेटिन में आज बात सवाल यही है कि अगर बीजेपी के कथन के मुताबिक ये देशभक्ति की परीक्षा है, तो क्या इन दोनों की मौत को देशभक्ति के है शहादत समझ शहीद मान शहीद का दर्जा दे दिया जाए? अगर यह मौत है तो फिर हत्यारा कौन है? अगर ये आत्महत्या है तो फिर उकसाने वाला कौन है? अगर ये सिर्फ हादसा है तो हादसे के पीछे कौन है? और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर कपिल मेघवाल और सुरेंद्र सिंह के मुर्दा पड़े शरीरों को क्या कहा जाए और इसके लिए आखिर जिम्मेदार किसे माना जाए? बिग बुलेटिन में बात इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके परिवार वालों का दर्द आपको सुनना चाहिए, जरा सुनिए। हमने इकट्ठे कर रखे थे बीमारी से, और बीमारी की वजह से इतनी 1500 के नोट ने लेके हम जयपुर पहुंचे थे, और जयपुर मेरे बिल लय नहीं बनने साहब, इस वजह से नहीं तो वे बच जाते। सुना आपने, अगर पुराने नोटों को मेडिकल स्टोर्स वाला ले लेता, दवाई दे देता, तो शायद आज सुरेंद्र सिंह जिंदा होता। लेकिन अफसोस, पुराने नोट जनता बदल नहीं पा रही, नए नोट उनको मिल नहीं पा रहे, और इस बीच में जिंदगी पटरी से उतरती हुई मौत के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई। लेकिन जिम्मेदार कौन है? बात इसी मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर ज्योति किरण जी, PCC उपाध्यक्ष डॉक्टर अर्चना शर्मा जी और आर्थिक विश्लेषक CA अनिल यादव जी। ज्योति किरण जी, पूरा देश, विपक्ष भी इस मुद्दे पर सरकार के साथ है कि नोटबंदी ठीक है, एक सही फैसला है, लेकिन जो अव्यवस्थाएं सड़कों पर हर दिन बिगड़ती जा रही हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और जो ये दो मौतें हुई हैं, आपको नोटबंदी का वो कौन सा पहलू नजर आ रहा है जिनको इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाए? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक कदम है, और इस आर्थिक कदम की दृष्टि से देखें तो जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी को एक मैंडेट दिया था कि वो भ्रष्टाचार को जड़ से हटाएं, वो आतंकवाद को जड़ से हटाएं, और एक जो पैरेलल इकोनॉमी इस देश में चल रही है उस पर इस प्रकार का प्रहार करें कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के माध्यम से प्रहार हो सके। मेरी जानकारी के हिसाब से और समस्त चैनल्स में जितनी मैंने बात सुनी है, उस जानकारी के हिसाब से इस मैंडेट को अगर हमने स्वरूप देना था, रूप देना था, और अगर एक शक्ल देनी थी, तो ये जरूरी था कि कड़े कदम उठाए जाते। अब कोई भी अर्थव्यवस्था कड़े कदम उठाने की जब भी बात करती है, मुझे लगता है कि अगर आपने आर्थिक इतिहास को थोड़ा सा देखा होगा, क्योंकि मैं एक अर्थशास्त्री की भूमिका में ही आपको ये बात कहूंगी और पूरी संवेदनशीलता से कहूंगी कि कोई भी आर्थिक कदम, देर इज नो गेन विदाउट पेन, देर आर पेन्स, और उस पेन्स के लिए भारत की जनता के लिए के समस्त हम जनता के समक्ष सचमुच नतमस्तक है कि जिस प्रकार से एकजुट होकर और जिस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ, जिस डिटर्मिनेशन के साथ हम अक्सर बात करते हैं कि असुविधाओं को भारत की जनता ने लगातार भुगता, लेकिन अगर एक आशा की किरण की दृष्टि से उन्होंने इस प्रकार की असुविधा को भी स्वीकार किया है। और ठीक है मैम, मुझे जरा ये बता दीजिए, ठीक है मैम, मुझे जरा ये बता दीजिए कि सुरेंद्र सिंह और कपिल दोनों का परिवार गरीब है, दोनों के पास पैसा नहीं है, दोनों ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया है, सुरेंद्र सिंह के दम पर पूरा परिवार चलता था, आखिर ये कौन सी नई दिशा है जो इन परिवारों को दी गई? मैं आपको लगातार ये कह रही हूँ कि जो मैं आपको बात कहना चाह रही हूँ, पूरा देश इस स्थिति में संवेदनशील है,
एक व्यक्ति नहीं पूरा देश, लेकिन मुझे लगता है कि क्या ये राजनीति का विषय होना चाहिए? क्या इस प्रकार की चर्चा जब भी हम करते हैं तो मुझे लगता है कि जितना समग्र देश का कहना चाहिए बल है वो क्षीण होता है, क्योंकि जहां आप सुधार की बात करते हैं तो रिफॉर्म मैनेजमेंट में जिस प्रकार की कष्ट और कठिनाइयां आती हैं उनको प्रोजेक्शन का तरीका भी अलग होना चाहिए। और ये मेरी आपसे भी अपील है, ये मेरी समस्त जनता से भी अपील है कि अगर हम इसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखेंगे और समझेंगे, जैसे आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया कि अगर मेडिकल हॉल में निश्चित सीमा के बाद में भी अगर उन्होंने नोट परिवर्तित नहीं किए, व्हाट वाज द रीजन, मुझे लगता है उसके लिए आपने डिबेट आयोजित की, बहुत बढ़िया काम किया। और निश्चित तौर पे हमें देखना चाहिए कैसे कौन से कारण थे, अनियमितता क्यों हुई, जिन्होंने अनियमितता की उनके खिलाफ निश्चित रूप से सरकारी तंत्र को भी प्रशासन। लेकिन मैम क्या आपको लगता नहीं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है? 16वां दिन आज चल रहा है, लाइनें खत्म नहीं हो रही है, बैंकों से पैसा खत्म हो गया, शादी के लिए लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है, क्या जो सारा जो समस्या झेलना है वो गरीब आदमी झेलेगा? देखिए, इसमें गरीब और अमीर झेलेगा, अमीर और गरीब झेलेगा, ये डिवाइड खड़ा करना गलत है, क्योंकि अगर नियम और कानून है तो वो सबकी दृष्टि से एक है। लेकिन अभी आपने स्वयं कहा कि अगर हम पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं तो ये जो पेन है आज, अगर आप कहेंगे जिन्होंने काला धन रखा है उनका पेन कितना बड़ा है, और उस पेन को मैम कम से कम ठीक है मैम, हो सकता है उनका दर्द बड़ा हो लेकिन एक मौत से बड़ा नहीं हो सकता है, यकीन होने मौत से बड़ा नहीं हो सकता, निश्चित तौर पर उस परिवार के दर्द से बड़ा नहीं हो सकता है जिसने अपने घर में कमाने वाले को खो दिया है। अर्चना शर्मा जी क्या वाकई में यही मान लिया जाए कि देश की बढ़ोतरी के लिए ये कुर्बानियां हैं जो गरीब आदमी दे रहा है, सड़कों पर हर दिन दे रहा है, कतारों में दे रहा है, भूखा रहकर दे रहा है? देखिए विजेंद्र, अगर यही राष्ट्रभक्ति की परिभाषा है तो आप सही कह रहे थे, शहादत का भी अजामा दिया जाना चाहिए। जी, जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के लिए एक बहुत बड़ा कदम और सटीक कदम उठाया गया जो पूरे मास मोबिलाइजेशन का माध्यम बन गया, जब आप एक निर्णय लेते हैं, अकस्मात लेते हैं और पूरी आबादी प्रभावित होती है और उसको प्रक्रियाबद्ध नहीं करते, पॉलिसी डिसीजन में कोई आपका रोडमैप नहीं होता और जैसे जैसे समस्या अनफोल्ड होती है तो अपनी पॉलिसी को ट्वीक करते, तो मैं कहती हूँ ये प्रोक्लेमेशन ऑफ फेलियर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी है जो जनता को इस प्रकार कतारों में लगाकर अपने परिश्रम के पैसे को अर्जित करने के लिए मौत के कगार पर धकेल रही है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि आप आज हम दो लोगों की मौत की बात कर रहे हैं, कल जम्मू कश्मीर का एक 12 वर्षीय बच्चा इसलिए मर गया क्योंकि उसके पिता के पास 25,000 पुराने नोट थे लेकिन उसके पास 1500 रुपए नई करेंसी के नहीं थे, जिसको लेने से वहां के एम्बुलेंस वाले ने मना किया और 15 किलोमीटर अपने कंधे पर लाद करके दोनों माँ बाप लेकर के गए। 74 मौतें तो रिकॉर्ड में है और हमें जहां तक जानकारी या पुष्ट सूत्रों से 150 मौतें हो चुकी अवसाद और तनाव में आकर। तो ये तनाव, ये अवसाद और आप 50 दिन की बात करते हो, सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि सब कहते हैं साहब इसका राजनीतिकरण मत करिए, तो विपक्ष का धर्म क्या होता है? जनता की दुविधा, उसकी समस्या, उसकी कठिनाइयों को सावचेत करने के लिए सरकार के सामने प्रस्तुत करें और उसे प्रस्तुत करते तो हमारी राष्ट्रीयता पर, हमारी राष्ट्रभक्ति पर, हमारे राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण पर भी प्रश्न चिन्ह लगाकर एंटी नेशनल करार देते हैं। तो भाई हम ये कहना चाहते हैं पूरे सम्मान के साथ कि ये जो पॉलिसी थी मॉनिटरी पॉलिसी, ये तो अर्थशास्त्र की हमारी ज्ञाता भी है और आज एक संवैधानिक पद पर भी है और कुछ किया होगा इसीलिए इनको इतना बड़ा सम्मान मिला है। तो मुझे सिर्फ इतना बता दे कि घोषणा क्या प्रधानमंत्री के द्वारा की जानी चाहिए थी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के आधार पर या आरबीआई के गवर्नर के द्वारा की जानी चाहिए थी? और अकस्मात की जानी चाहिए थी तो आपने क्या बताया भारत की जनता को कि आपको इस तरह से कतारों में खड़ा होने के बावजूद ये कह रहे हैं कि साहब हम कार्रवाई करेंगे जिन्होंने पैसे नहीं दिए? आपके चेस्ट खाली पड़े, आपके मिंटिंग सेंटर्स में पैसा जो है प्रेस उसको छाप नहीं पा रही है, 2300 करोड़ रुपए एलिमिनेट करते हो आप पूरी रोटेशन में से, उसकी जगह 300 करोड़ आप छाप पाए हो 15 दिनों में, तो ये प्रक्रिया पूरी 7-8 महीने लगी, 50 दिन नहीं लगी, तो ना जाने कितनी मौतें होंगी विजेंद्र। और सिर्फ विपक्ष क्या कह रहा है? ठीक है मैम, विपक्ष सिर्फ इतना कह रहा है, ज्योति किरण जी यही मैं आपसे जानना भी चाहता हूँ, लिबरल होना चाहिए आपको। ठीक है ज्योति किरण जी, यही मैं वाकई में आपसे जानना चाहता हूँ कि कहा गया कि 10 महीने के लंबे प्रोसेस के बाद इसको एग्जीक्यूशन के लिए लाया गया, घोषणा की गई, क्या 10 महीने के इतने बड़े प्रोसेस के दौरान ये सोचा नहीं गया कि जब अस्मा के फैसला लिया जाएगा तो उसके बाद स्थिति क्या होगी, जनता के बीच किस तरीके का रिएक्शन होगा, हालात किस तरीके के होंगे, निपटा किस तरीके से जाएगा? मैं आपका प्रश्न समझ गई हूँ, मुझे उत्तर देने के लिए समय दीजिए क्योंकि प्रश्नों की जो सिलसिला है वो इस प्रकार नहीं पूछा जा रहा। मुझे बताइए क्या देश को भ्रष्टाचार को अनंत काल तक बेयर करना है? क्या कांग्रेस इसके पक्ष में?
क्या आतंकवाद को लगातार बेयर कर नहीं प्लीज अब मैं मुझे बोलने दीजिए अभी अर्चना जी मैंने आपके साथ बिल्कुल मैंने देखिए ज्योति जी मैं आपको पूरा वक्त दूंगा ज्योति जी ठीक है मैं पूरा वक्त आपको दूंगा माफी के साथ रोक रहा हूँ मैं पूरा वक्त आपको दूंगा लेकिन मैं फिर से वो क्लियर कर रहा हूँ ना तो इस दौरान जनता काले धन के पक्ष में है मैम अगर नहीं आप उत्तर नहीं दीजिए मुझे मेरा उत्तर बिल्कुल एब्सोल्युटली अगर कांग्रेस ने प्रश्न लगाए हैं तो मैं पार्टी प्रवक्ता के नाते नहीं लेकिन एक आम जन इस हैसियत से भी बात करना चाहूंगा क्या आतंकवाद अनलिमिटेड चलता रहे क्या देश की इकोनॉमी में किसान लगातार भुगतता रहे क्या इस प्रकार की अर्थव्यवस्था जो कि इतने बड़े घोटालों के आधार पर कांग्रेस ने लगातार देश को विरासत के तौर पे दे दी थी उसको चलते देना रहना चाहिए क्या विराम की कोई कीमत नहीं होती लेकिन हर दृष्टि से अगर आप देखते हैं कि 21,000 करोड़ रुपए आज नाबार्ड की दृष्टि से अवेलेबल करा दिया गया तो गांव से लेकर के किसान तक प्रत्येक के प्रति संवेदनशीलता रखी गई लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पैरेलल इकोनॉमी में जितने घोटाले हुए कांग्रेस की ये संवेदनशीलता उस समय तब कहाँ गई थी लगातार अब बयानबाजी और आक्रोश रैली के माध्यम से जनता को भ्रमित करने की जगह अगर वो काला पैसा तब करंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गया होता तो आज जनता को ये दुख भोगने का अधिकार मिलता ही नहीं ठीक है मैम ठीक है देखिए अब मुझे आपको रोकना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी भूमिका में है इसे मुझे बोलने दीजिए ठीक है 70 साल का हिसाब मांगने वाले भूल जाते हैं कि 13 साल में से सबसे बड़े ज्यादा सालों में इन्होंने आहुति दी भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया आज जनता कतार में खड़ी हुई और 500 करोड़ की भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या शादी होती है कब इनकम टैक्स ऑफिसर नहीं जाते और कौन सा काला धन आ गया आपने मेरे परिश्रम की कमाई आम जनता की परिश्रम की कमाई को यदि काले धन की श्रेणी में डाला है तो धिक्कार है ऐसे जनादेश के दुरुपयोग करने वाली सरकार पर मौतों पर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ट्रेन हादसा होता है कोई क्षमा नहीं मांगता शत निश्चित जब आ रहे कोई नहीं मांग रहा जवाब आपसे क्योंकि आप समस्या के निदान के लिए नहीं समस्या को उत्पन्न करके जनता को आर्थिक विश्लेषक के तौर पर आपसे मेरा है क्या वाकई में यही अंतिम विकल्प था क्या चूक कहीं पर हुई है जिसकी वजह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है और जो बैंकों के बाहर लाइन लगी है वो खत्म नहीं हो रही सर गवर्नमेंट ने अगर आप देखेंगे जी अगर आप देखेंगे तो बजट 2015 से ही गवर्नमेंट ने जी बजट 2015 से जो बजट आया था उसमें से गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी दिखा दी थी कि काले धन के ऊपर वो बहुत बड़ा कदम लेने जा रही है जी बजट 2015 से 1 जून 2015 से रुकिए अर्चना जी ठीक है अर्चना जी रुकिए जरा जी सर बजट 2015 में जो आया था उसमें 1 जून 2015 से जो ट्रांजेक्शन हुआ करते थे जमीनों के अंदर बिल्डिंग्स में 20,000 से ऊपर भी जो कैश में हुआ करते थे उसके ऊपर बैन लगा दिया गया था तो वहां ये पता लगा था काले धन के ऊपर आगे कोई कार्रवाई होने वाली है जी। उसके बाद वीडीएस स्कीम लाई गई वीडीएस स्कीम में मोदी जी ने कहा कि हम काले धन के ऊपर आगे शिकंजा और कसेंगे फिर बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया वो 1 नवंबर 2016 से लागू भी हो गया और हमें मतलब एज ए चार्टेड व्यापारी बहुत लोगों को कम मालूम था अब जब ये चीजें आई हैं तब सामने आई है तो एक क्वेश्चन ठीक है सब चीजें फेस के अंदर हुई है अब इसमें दो चीजें हो रही हैं एक तो ये नोटबंदी सही है या गलत वो ठीक है वो मेरे हिसाब से कोई बहस ही नहीं कर रहा है उस पर बहस अर्चना जी भी ये कह रही हैं कि नोटबंदी एक सही फैसला है सही फैसला अब हमें नहीं कोई बहस नहीं है सर अब जो इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है तो जब आप अर्चना जी रुके सर अनिल यादव जी मेरा सवाल ये है सर नोटबंदी को लेकर कोई बहस नहीं कर रहा है नोटबंदी के समर्थन में मैं भी हूँ ज्योति जी भी हैं और अर्चना जी भी और आम जनता भी है सवाल मेरा ये है कि फैसले के बाद जो जनता सड़कों पर लंबी लंबी कतारों में खड़ी है दवाई के लिए पैसे नहीं खाद बीज खरीदने के लिए पैसे नहीं मौतें होने लग रही है इसकी वजह से क्या इसका कोई विकल्प तैयार नहीं किया गया क्या इसी को इसी तरीके से देखो वो फेलियर रहा है जब आप फरवरी 2015 से आपकी प्लानिंग चल रही थी आप 1.5 साल पहले से गवर्नमेंट आप ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट एकदम से कोई चीज कर रही है कि आज नोटबंदी हो रही है गवर्नमेंट पहले से प्लानिंग कर रही थी गवर्नमेंट फेस पहले लेके आई थी तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें हुई और जो हमारे 70% अभी तो सर अभी मौतें अभी कहा हुई है मौतें तब आप देखेंगे जब 30 तारीख बाद मुझे मेरा किराने का बिल भरना पड़ेगा मुझे ऑटो का बिल देना पड़ेगा मुझे वो दूध वाले को पेमेंट करना पड़ेगा मिडिल क्लास अभी लाइन में नहीं लगी है सर मिडिल क्लास अभी लाइन में लगी नहीं है सर जी अभी अभी सिर्फ इकोनॉमिक क्लास लगी है
अभी सिर्फ मिडिल क्लास लाइन में लगी है। यानी कि अनिल यादव जी आप कहना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, ये तो ट्रेलर है सर। अगर अगर आप कहेंगे मोदी जी को भी पता था नोटबंदी से पहले उन्होंने सेना अध्यक्ष से मिलके आए थे वो जी। तो अगर आपको व्यवस्था संभालनी है आपको सर सुविधाएं बढ़ानी पड़ेगी, बैंकों में कैश भिजवाना पड़ेगा। ठीक है सर, समझ गए। ज्योति जी अब मैं आपसे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूछ रहा हूँ। ज्योति जी मैं आपसे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर पूछ रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि राजस्थान में हर दिन कितना पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि हर बैंक खाली है, हर बैंक की चेस खाली है। अर्चना जी रुकी जी, ठीक है। अर्चना जी रुकी जरा, शायद आपके लिए भी फायदा होगा मैम अगर वो जवाब दे देंगी। अर्चना जी रुकी जरा, जन आक्रोश रैली निकाली है, जनता के समर्थन में ही रैली निकाली गई है मैम, अगर जवाब मिल जाता है तो बेहतर होगा। ज्योति किरण जी सुनिए, आखिर ये क्या वजह है कि सारे बैंक खाली है, सारे बैंक की चेस्ट खाली है, एक घंटे के अंदर एटीएम खाली हो जाता है, दोबारा भरा नहीं जाता है। आखिर आम जनता को लेकर कोई सहूलियतें भी होंगी या नहीं होंगी, उसके बारे में सोचा भी गया नहीं? विजेंद्र जी, बिल्कुल सिस्टमैटिकली तरीके से, प्लान तरीके से ये सब चीजें संवेदनशीलता से हैंडल की जा रही है। लेकिन आप मुझे बताइए, उसके साथ साथ जितने छापे पड़ रहे हैं, जितना काला धन पकड़ में आ रहा है और जितनी दिक्कतें इस दृष्टि से सरकार प्रशासनिक तौर पर हैंडल कर रही है, मुझे लगता है कि उसको भी हमने समझना चाहिए। क्योंकि अगर काला धन परिवर्तित करने के लिए, जैसा कि आपके चैनल्स ने स्वयं दिखाया, मैं लगातार देखती हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार के फर्जी लोगों को लाइंस में लगा दिया और कैश की, यानी अगर मोरालिटी की बात करते हैं तो मुझे लगता है इस दृष्टि से हम सबका आज ये धर्म बनता है। इन्होंने देशभक्ति की बात कही, मुझे लगता है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़नी तो वो जो भ्रष्ट लगे हुए लाइनों में, ज्योति जी, वो कांग्रेस के लोग नहीं है, ज्यादातर आपके ही है जो आपके सत्ता में होने के रसूख का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भारत की जनता को ही भ्रष्ट बता रहे हो। ज्योति जी, अगर आप ये कह रहे हैं गरीब श्रमिक के पैसे को ही काला धन बता रहे हो, ठीक है ज्योति जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अंदर एक जंग चल रही है, मैम अगर आप ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ देश के अंदर एक जंग चल रही है, तो उस जंग से लड़ते लड़ते जिन लोगों की मौत हुई है, क्या आप उनको शहीद का दर्जा देंगे? मैंने आपको सबसे पहले कहा कि संवेदनशीलता के साथ इस कार्यक्रम को आपने भी हैंडल करना और मैंने भी करना है जी। मैं भी इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, एक संवैधानिक पद की केवल बात नहीं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं अपील करती हूँ कि पूरी डिबेट का पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि भ्रष्टाचार की जंग की लड़ाई में ये फैसला अगर सही है, और जंग की लड़ाई में जो शहादत हो रही है परमान से निरंकुश तक, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कौन कह रहा है कि फैसले के खिलाफ कोई है, फैसले के खिलाफ तो कोई नहीं है। गोविंदाचार्य जी ने क्यों कहा कि उन्हें शहीद का दर्जा दो? वो तो आपकी विचारधारा के प्रवर्तक थे ना, आप एक लोग। हम खुद कह रहे हैं, हाँ हम खुद कह रहे हैं, वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन टू दिस इनिशिएटिव, बट वी ऑब्जेक्ट टू द सिस्टम जिससे आपने, यस द सिस्टम द वे यू हैव इम्प्लीमेंटेड इट। ये प्रोक्लेमेशन ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, इट इज किलिंग ऑफ द सॉवरेनिटी ऑफ द इंस्टीट्यूट। आपको रियलाइज करना पड़ेगा, आरबीआई क्या आपको पता है क्या? और आप जिस आहुति की बात दे रहे हो आप उसका तो बता दो उस रेडी, और आपके क्या हो रहे हैं, आप तो परिवार की संज्ञा ही नहीं जानते। आपको पता है क्या कि परिवार क्या होता है? आप लोग मर रहे हो उसको संज्ञान में नहीं लेते हो। आप जो शहादत हो रहे, शतवक्षक शव आ रहे हैं, उनके बारे में ध्यान हटाने के लिए जनता को सड़कों पे खड़ा कर दिया। 150 लोग मर गए रेल हादसे में, आपने आहत तक नहीं की, इस्तीफा क्यों नहीं दिया आपने? ये किसका फेलियर था? 2.5 साल से आज कर रहे हो। मेरे पास 4 से 5 मिनट बचे हुए हैं मैम, रुकिए जरा। ज्योति जी मुझे सिर्फ ये बता दीजिए मैम, ठीक है मैम, ठीक है ज्योति जी मुझे एक शब्द में बता दीजिए मैम, ठीक है। अर्चना जी वापस मैं आपके पास आ रहा हूँ आपके पास। ज्योति जी ठीक है, सवाल यही है, सवाल आज यही है मैम। ज्योति जी मैम सुनिए जरा, ठीक है मैम, ज्योति जी सुनिए तो जरा मुझे ये बताइए मैम, ठीक है। अर्चना जी रुकिए जरा, अर्चना जी रुकिए जरा, ज्योति जी रुकिए,
मैं मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए, मेरे पास वक्त की कमी है अर्चना ज्योति जी, मेरे पास वक्त की कमी है, मुझे एक लाइन में जवाब दे दीजिए मैम। जो ये मृत शरीर पड़े हैं इनको आप क्या कहेंगे? मौत कहेंगे, हादसा कहेंगे, आत्महत्याएं कहेंगे, क्या कहेंगे आप इन्हें? ये आप अपने अपने शब्दों की शब्द मैं मुझे बताइए ना, मृत शरीर को क्या कहेंगे? कांग्रेस अपने शब्दों के शब्दावली का कितना उपयोग करे? कांग्रेस और मीडिया के लिए मैं पूछ रहा हूँ, ये मौतें क्या है ये नहीं जवाब दे रहे शब्दावली? इन मृत शरीरों को क्या कहेंगे? महानता पर मोहित होकर मरने वाली जनता है वो इनसिग्निफिकेंट है विजेंद्र। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अर्चना जी, अर्चना जी, ठीक है, अर्चना जी, आप इन मृत शरीर को क्या कहेंगे? परिवार पूछ रहा है वाकई में, इन मृत शरीर को क्या कहें? इन मृत शरीरों को एक निरंकुश प्रवृत्ति के शासक की बलि चढ़े देश की उस राष्ट्रीयता को समर्पित कर दीजिए जिसे रीडिफाइन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है। रीडिफिनेशन ऑफ भ्रष्टाचार, नेशनलिज्म को रीडिफाइन कर रहे ना, उस रीडिफिनेशन के जो प्रोसेस है उस जर्नी में बहुत सी शहादत होगी विजेंद्र। अंदर काले धन के खिलाफ जंग यहाँ पर चल रही है। अनिल यादव जी, अनिल यादव जी, इन मृत शरीर को क्या कहें सर? सर मैं समझ नहीं पा रहा, मैं वाकई में नहीं समझ पा रहा हूँ, एक कॉमन मैन के तौर पर इन्हें क्या कहें? हत्या कहें, आत्महत्या कहें, हादसा कहें, शहादत कहें? सर ये सिस्टम फेलियर है, इसके अंदर जो सिस्टम जो बनाया गया था उस हिसाब से अब फिर लैप्स भी बहुत रहे। गवर्नमेंट कोई पॉलिसी निकालती है, नीचे तक आते आते रूरल तक आते आते वो पूरी होती है, फिर नई पॉलिसी चेंज हो जाती है, फिर कुछ आता है, फिर नई पॉलिसी आ जाती है। तो मेरे हिसाब से जो बीच में जो गैप रहा है वो गैप पूरा भरा जाए टाइम से। ठीक है, आर्थिक विश्लेषक के तौर पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तुरंत वो कौन से एक्शन हो सकते हैं जो इन हालात को सुधार दे? सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनको भी आप ऑथोराइज करें कैश पेमेंट लेने के लिए, जो भी गवर्नमेंट, क्योंकि बैंकों के पास तो वहां कहीं ना कहीं आपको ऑथोराइज करना पड़ेगा, और जो 30 दिसंबर लास्ट डेट है उसको कम करना पड़ेगा, अदरवाइज जो ब्लैक मनी थी वो तो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाएगी। सर दिन बहुत ज्यादा दे दिए, काउंटर बहुत कम है, तो आप इस पे एक काम कर सकते हैं कि दिन कम करके आप सेंटर बढ़ा दीजिए। आप आपको ऐसा तो नहीं लगता कि जनता के अंदर वो डर बैठ गया है और इस वजह से हर दिन एक ही आदमी लगातार लाइनों में लगता है कि घर में एक बार फिर से नया पैसा इतना कर लिया जाए कि महीनों अगर बाद में दिक्कत आ जाए तो कम से कम उसको दिक्कत ना आए, कहीं इस वजह से तो लाइनें खत्म नहीं हो रही का उपयोग होना चाहिए। सर लाइन नहीं, लाइनें तो सर लाइनें तो खत्म होने का वही हो रहा है कि उसको जो अमाउंट चाहिए फैमिली आज इतनी बढ़ी है उस हिसाब से अमाउंट बैंक से भी नहीं पा रहा है। आरबीआई ने जो गाइडलाइन दी है आपको 24,500 आप बैंक में जाएंगे तो सिर्फ आपको 2,000 दिए जा रहे हैं चेक से भी, इवन आपका करंट अकाउंट होगा तो भी प्रैक्टिकली आप जाएंगे तो 2,000 या 5,000 से ज्यादा कोई भी बैंक पेमेंट नहीं कर रहा है। रीजन यही आ रहा है कि हमारे पास करेंसी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी आपको बढ़ाई जाए। सरकार बार बार ये कह रही है कि उसके पास जितने पैसों की जरूरत है वो है, अगर वो वाकई में है, अगर प्रिंट जो हो रखा है वो उतना है जितने की जरूरत है तो जनता को मिल क्यों नहीं पा रहा? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी चीज के मैनेजमेंट में एक प्रोसेस होता है, अगर अफरा तफरी और भ्रम पैदा करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहूंगी कि ये राष्ट्र के प्रति नेगेटिव भावना है। ठीक है मैम, राजस्थान के नजरिए से अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, अगर राजस्थान के नजरिए से समझना चाहूँ तो मैम ये बताइए कि आखिर कितने पैसे की राजस्थान में जरूरत है कि अगर वो पैसा यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर कम से कम समस्याएं ना हो, ये लाइनें ना दिखाई दे, ये मौतें ना दिखाई दे। राजस्थान के किसान का चेहरा देखकर ही क्रेडिट चलता है, राजस्थान की रूरल इकोनॉमी सब्सिस्टेंस इकोनॉमी है और 10% क्षेत्र में लगातार जिस प्रकार से अभी रबी की फसल की भी बात हुई और पूरी अन्य चीजों की बात हुई, किसान को एक क्रेडिट चेन के आधार पर हम लगातार सपोर्ट करते आ रहे हैं। मैम कितने पैसे की जरूरत और फिलहाल आरबीआई से कितना पैसा मिल रहा है? 8 दिनों में, नेक्स्ट 8 दिन में पर्याप्त दृष्टि से पैसा मिलेगा और रूरल एरियाज में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं आएगी। ये इस वक्त मुझे राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष कह रही है ना कि बीजेपी की प्रवक्ता? बिल्कुल निश्चित, यानी कि 8 दिन के अंदर लाइनें दिखाई नहीं देंगी मैम? देखिए अभी आपने कहा कितनी लाइनें दिखाई देना, मैंने आपको पहले व्यक्त किया मैम, मेरा कहने का मतलब यह है कि पर्याप्त पैसा आ जाएगा, अगर होर्डिंग पर्याप्त पैसा आ जाएगा, होर्डिंग निश्चित तौर पे पर्याप्त पैसा आ रहा है, पर्याप्त पैसा आ जाएगा, लेकिन अगर होर्डिंग के वृत्ति से आप लाइन लगाते जाएंगे, मेरी जनता से भी अपील है कि होर्डिंग न करें, जितनी आवश्यकता है अगर राष्ट्रभक्ति यही है तो इसमें अपनी आहुति डालें। ठीक है मैम, और अंत में सिर्फ एक बार फिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर वाकई में जवाब दे पाए, उन परिवारों को आप क्या कहेंगे जो नोटबंदी के शिकार हो गए और घर में उनका अपना मृत अवस्था में पड़ा है, उसको क्या परिवारों क्या ये कहें कि आपके अंदर की देशभक्ति इतनी होनी चाहिए कि उसको शहादत मान लें?
मैं आपसे फिर से ये कहूंगी कि इस डिबेट को इस पर्सपेक्टिव में देखना समझना ही शायद एक दृष्टि से असंभव। देखिए विजेंद्र, आप फिर वही लकीर के फकीर मत बनिए। जब 60 किसानों की शहादत हुई ना, तब भी स्वीकार नहीं किया था। मरने वालों को इनसिग्निफिकेंट मानना है, एलओसी में मर जाए, देश में मर जाए, इनको इससे फर्क नहीं पड़ता। अब आहुति देनी है ना राष्ट्रवाद के लिए, तो आहुति दीजिए, बढ़ते जाइए और ये सब आपको माफ हो जाएगा। नेशनलिज्म को जिंगोइज्म बनाने वाली पार्टी से उम्मीद मत कीजिए। अति राष्ट्रवाद यहाँ पर लेना है, ठीक है ना? मुझे मेरा जवाब मिल गया है। ज्योति किरण जी, ठीक है ज्योति किरण जी, समाचार प्लस के जरिए आप क्या कुछ कहना चाहती हैं? ज्योति किरण जी, समाचार प्लस के जरिए एक राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर आप जनता को क्या कहना चाहती हैं? ठीक है अर्चना शर्मा जी, फाइनल कमेंट क्या है? कैसे व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है? फाइनल कमेंट क्या, एक लाइन में मैम? व्यवस्था सिर्फ तभी दुरुस्त होगी कि ईमानदारी के साथ, साफ गोई के साथ प्रधानमंत्री घोषणा करें ये कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर्स की है। पैसा नहीं पहुंचेगा, 50 दिन नहीं 8 महीने लगेंगे। जनता तसल्ली करेगी, जनादेश दिया जनता ने, लेकिन निगाहते में रखकर इसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ोगे, जनता स्वीकार नहीं करेगी। इनके खुद के विचारधारा के प्रवक्ता गोविंदाचार्य ज्योति किरण जी, मैम मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है। अर्चना जी देखिए, रोकना चाहूंगा। ज्योति किरण जी सुनिए जरा, एक राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जनता को आप क्या कहना चाहेंगे इस समस्याओं के बाद? बोलते नहीं हो, क्यों जवाब नहीं से बचना चाहते हो भाई? क्यों प्रधानमंत्री जवाब नहीं से बचना चाहते? अर्चना जी रुकिए जरा। ज्योति किरण जी, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जो प्रदेश की जनता आपको देख रही है, समस्याओं को भुगत रही है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि सड़क से लेकर के संसद तक उन्होंने लगातार इस फैसले के समर्थन में जिस प्रकार की एकता। मैम उनको जो चाहिए उस बारे में सीधा सीधा बताइए ना। आपने वोट पड़वाए क्या? रेफरेंडम हो गया क्या? अपनी भी दबाने से कोई नहीं मिलता यश। और कुल ज्योति जी, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि ये जो लाइनें लगी हैं, ये समस्याएं कितने दिन में दूर हो जाएंगी? चलिए अर्चना जी, शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। ज्योति जी आपका भी शुक्रिया, और अनिल यादव जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया। राज्य वित्त आयोग की अध्यक्ष ज्योति किरण जी कहते हैं कि विद इन 8 डेज समस्याएं खत्म हो जाएंगी, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर आकर फिर खड़ा होता है कि जो 2 लोगों की यहां पर मौत हो गई, उन्हें हत्या कहें, आत्महत्या कहें, शहादत कहें या फिर हादसा कह दे, इसका जवाब मुझे अभी भी मिला नहीं। आप खुद तय कीजिए। बिग बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।